हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग है ये पिका कार्ड रीडिंग है और इसमें देखेंगे कि अभी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हैं। ये पहला है ये येलो क्रिस्टल और सेकेंड है ये पिंक क्रिस्टल। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। शुरू करेंगे ग्रुप वन से, देन ग्रुप टू। तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप वन चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो जो भी जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज़ किया उनके पर्सन उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। नाइन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ स्पेड, किंग ऑफ क्लब्स, नाइन ऑफ क्लब्स, नाइन ऑफ डायमंड और जैक ऑफ स्पीड। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। स्पेशली आप अगर कोई लेडी हैं, वुमेन है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप 24 आवर्स सोचते रहते हैं कि आप दूरियां कैसे कम करें। ये जो दूरियां हैं वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं, पर आपके जो पर्सन हैं वो अभी इस सिचुएशन के बारे में इतना ज़्यादा अभी सोच नहीं रहे हैं। वो आगे अपने वर्क में या फिर बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस्ड हैं। वो अभी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है। आप लोगों के बीच में ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है, आपके लिए भी बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है। साथ में कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं। हो सकता है जो यह नाइन ऑफ स्पेड है, कुछ फैमिली रीजंस की वजह से इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है, या फिर इस फैमिली रीजंस की वजह से इस पर्सन ने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उससे डिस्टेंस आपसे कर लिया। तो यहाँ मुझे बोथ फिजिकल एंड इमोशनल डिस्टेंस है लग रहा है आप दोनों के बीच में है। पर क्योंकि ये यहाँ नाइन ऑफ स्पेड से कवर है तो ये बता रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। आप लोगों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने वर्क की वजह से कहीं दूर वर्क करते हैं और जिसकी वजह से आप 24 आवर्स इस पर्सन के बारे में सोचते हो। ये पर्सन अपने बहुत ज़्यादा स्टेटस, इन चीज़ों को वैल्यू देते हैं और उन रीजंस की वजह से शायद आप दोनों के बीच में यहाँ दूरियाँ बन गई है। हो सकता है आप दोनों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं। हो सकता है किड रीज़न हो आप दोनों के बीच के जो है सेपरेशन का। हो सकता है इस पर्सन को ऑलरेडी किड हो जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप को आगे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम टैरो से देखते हैं कि आपके पर्सन के और क्या फीलिंग्स हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के क्या फीलिंग्स हैं, जो भी रीडिंग देख रहे हैं वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, आपके पर्सन ने आपसे अभी रिलेशनशिप में बिल्कुल ब्रेकअप लिया हुआ है। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया है। तो यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी एनर्जी है। देखिए, ये जो पर्सन है ये अपने स्टेटस की वजह से आपसे दूर है या फिर अपने फैमिली की वजह से, फैमिली रीजंस की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दिया है। पर हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। तो यहाँ ये बता रहा है कि आपको आपके पर्सन जो अकेला छोड़ दिए हैं और आपको बहुत दुख दिए हैं उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि वो खुशी से ऐसा कर रहे हैं। उनके दिल में भी बहुत ज़्यादा दुख है इस सिचुएशन को लेकर। ठीक है, हो सकता है इनके लाइफ में कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि फाइनेंसेस की वजह से इस पर्सन ने ऐसा किया या फिर अपने फैमिली या ऑलरेडी ये पर्सन कहीं और एंगेज हो गए होंगे जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसे एंड किया है। और ये अपने लाइफ में ऐसा भी दिख रहा है कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, जो भी जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है और वन मोर कार्ड, क्राउन चक्र। देखिए आपके लिए ये एंड ऑफ द डे की आया है मूविंग ऑन, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए अपने लाइफ में, करेज लाइए। और आपके जो पर्सन है वो आपको ये याद रखना है कि उनके दिल में प्यार तो है पर सिचुएशन की वजह से ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रख पा रहे, स्टेटस की वजह से या फिर फैमिली रीजंस जो है, जिस भी रीज़न से है आपके पर्सन आपके साथ अभी रिलेशनशिप नहीं रख पा रहे हैं उसकी वजह से उन्हें दुख है। तो आपके लिए एंजल का गाइडेंस है कि आपके लाइफ में ये बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन और ये जो आपके साथ हो रहा है ये कुछ आपको सिखाने के लिए हुआ है। आपको अभी अपने हीलिंग प्रोसेस में वर्क करना चाहिए, आपको खुद को हील करने की कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके। दिन में टाइम निकाल के 5-10 मिनट या 15 मिनट से शुरू करिए और मेडिटेशन करना शुरू करिए। मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप आंखें बंद करिए और अपने आप को जो है जो विचार आ रहे हैं उन्हें धीरे धीरे वो शांत करने की आप कोशिश करिए, क्योंकि क्राउन चक्रा का ये कार्ड है। क्राउन चक्रा यही बता रहा है कि आपको अकेले खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए, धीरे धीरे अपने मन को शांत करने की कोशिश करिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करिए अपने अंदर। विक्टिम मेंटालिटी से आपको बाहर निकलना होगा। यहाँ पे जो है मूव ऑन का भी कार्ड है, तो आगे बढ़िए, आगे और भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नए चेंजेस आएंगे तो नई बिगनिंग होगी, क्योंकि ये ज़ीरो जो कार्ड आया है नई बिगनिंग को बता रहा है। तो अभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपने अंदर हिम्मत लाइए। साथ में क्राउन चक्र ये भी बता रहा है कि आप डिवाइन से कनेक्ट करने की भी कोशिश करिए। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ आपके लिए गाइडेंस दिख रही है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप वन चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप टू चूज़ किया है, ये ब्रेसलेट। तो देखते हैं कि आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ग्रुप टू जिन्होंने चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो अभी उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो उनके लिए भी क्या फील कर रहे हैं। जैक ऑफ हार्ट, 10 ऑफ डायमंड, 8 ऑफ डायमंड, 9 ऑफ हार्ट, 7 ऑफ डायमंड, 6 ऑफ हार्ट। तो आपके लिए उनके दिल में क्या चल रहा है, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो ये इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बहुत स्टेबल फीलिंग्स है, मीन्स ऐसा फीलिंग है जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके साथ। आपके साथ जो इन्होंने वक्त बिताया था उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका जो हाथ पकड़ा था या फिर जैसे भी आप दोनों ने एक दूसरे से बात की थी, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन याद करके बहुत ज़्यादा यहाँ उदास होते हुए दिख रहे हैं। उनसे आप जो फिज़िकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में वो आपके पर्सन सहन नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप दोनों कुछ के लिए ही होगा ये कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है आपके पर्सन और जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में नहीं भी है, क्योंकि हमें मेन जो स्प्रेड है उसमें अभी नहीं आया है, तो जो जैक ऑफ हार्ट विथ 9 ऑफ हार्ट ये बहुत ज़्यादा विश करते हैं, जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसे ठीक करना चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और क्या मुझे दिख रहा है कि वो आपको देखना भी चाहते हैं, दे वॉन्ट टू सी यू। एंड पुरानी चीज़ें आपके साथ जो इन्होंने बिताई थी उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये याद कर रहे हैं।
और देखते हैं हम टैरो से, तो थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, इस पर्सन की एनर्जी जिसके बारे में पूछ रहे हैं आप उनकी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, मतलब फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कार्ड्स बार बार गिर जा रहे हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज किया है उनके पर्सन कि करेंटली क्या फीलिंग्स हैं, ग्रुप कुछ इस पर्सन के बारे में पूछ रही हूँ कि मैं करेंटली क्या फील कर रही हूँ। ओ माय गॉड, मैंने आपको कहा कि इस इनका जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है और ये छुपा भी रहे हैं अपने फीलिंग्स को, पर एक्चुअल में इनके दिल में बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ सिक्स ऑफ कप्स हमें दो बार आ गया, यहाँ भी सिक्स ऑफ कप्स आया था। तो आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन है, ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हैं, हो सकता है अपने टाइम का दे गिफ्ट आपको, टाइम स्पेंड करे आपके साथ, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स हैं। साथ में इनको ऐसा भी फील होता है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, तो बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ ना कुछ आप लोग के बीच में सही होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो इनको लगता है कि ये जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत किस्मत से मिला है और वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ भी आप लोग अलग नहीं हो, सेपरेशन नहीं है और कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो ये पर्सन डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स यही है कि ये आपको बहुत चाहते हैं और आपके साथ अपनी फ्यूचर भी देखते हैं। यहाँ हो सकता है पास्ट में आप लोग के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या इस पर्सन ने आपको अपने फीलिंग्स हाइड किए हो, या फिर आपको ऐसा फील हो, ये किसी और से बात कर रहे हो और आपको ऐसा फील हुआ हो कि या आप किसी और से बात कर रहे हो, तो इनको फील हुआ कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो, तो इस वजह से आप लोग के बीच में हो सकता है कुछ कहासुनी हुई हो। पर एट द एंड इस पर्सन के दिल में आपके लिए इतना स्ट्रांग इमोशंस है कि ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको ही चाहते हैं और आप ही के साथ अपना फ्यूचर भी देखते हैं। ये आप अपना ये जो पर्सन है आपको अपना सोलमेट समझते हैं और इनके दिल में प्यार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है मूविंग ऑन और सेकंड है रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। तो हमें मूविंग ऑन के बाद आया है रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, तो ये पॉजिटिविटी बता रहा है कि आपका अगर इस पर्सन के साथ अभी आप कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोग अलग हैं, अगर क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स आया था, फाइव ऑफ सोर्ड्स आया था, हो सकता है एक दूसरे को हर्ट किया या फिर कुछ ऐसे बोला जिसकी वजह से हर्ट हुए, पर इस ये जो पर्सन है इनके साथ जो है आपका रीयूनियन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं और आपको अभी इस रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस इंसान के जो दिल में है वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स इतने अच्छी तरीके से शायद आपको बताते नहीं हो, क्योंकि यहाँ एट ऑफ डायमंड है, बहुत सावधानी के साथ कॉशन के साथ अपने फीलिंग्स आपको बताते हैं, पर इनके दिल में डेफिनेटली फीलिंग्स है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है। और आप दोनों के बीच में यहाँ गाइडेंस भी आया है कि आप दोनों का जो यूनियन है वो बहुत स्ट्रांग है और जो अभी रेस्ट एंड रिज्यूविनेट, हो सकता है आप दोनों अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो भी सिचुएशन है आप उससे बाहर निकलेंगे और आपके लाइफ में ये पर्सन दोबारा आने के मुझे पूरे चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप टू चूज़ किया था। और साथ ही मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर चुके हैं तो आपको लोग आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ थोड़ा सा बातें करना चाहिए, थोड़ा सा मिक्स होना चाहिए। अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको हर्ट फील हुआ है और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं, तो आपको उनसे बाहर निकलना चाहिए उस सिचुएशन से। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप टू चूज़ किया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।